सब्सक्राइब करें इंडियन टेस्ट को और बेल आइकन दबाइए, नोटिफिकेशन पाइए। वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी लोग? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मथुरा जैसे पेड़े घर पर कैसे बनाएं। कल हरियाली तीज भी है तो मिठाई की जरूरत भी पड़ेगी, तो इसके लिए हम आज घर पर ही मिठाई बनाएंगे। ये पेड़े बनाने के लिए हमने घर पर मावा तैयार कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए हमने 1.5 लीटर दूध लिया है। अब ये हमने गैस पर रख दिया है गर्म होने को। अब इसको धीरे धीरे चलाते रहेंगे, नीचे तलवे तक हमें चलाना है जिससे हमारा ये खोआ लग ना जाए नीचे। इसको हमें स्लो गैस पे ही रखना है, तेज नहीं करेंगे नहीं तो ये हमारा दूध नीचे लग जाएगा। मथुरे के पेड़ा बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन मैं आज आपको सिंपल तरीके से बताऊंगी जो आसान तरीके से आप घर पे बना सकते हो। फिर आपको मथुरा जाके पेड़े खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल तरीके से घर पे बना सकते हो। अगर मेरे पेड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। ये खोया हमारा बनके तैयार है। अभी ये रबड़ी जैसा थोड़ा बना है, अभी इसी स्टेज पे हम डाल देते हैं चीनी। चीनी हमने ये ली है 1/4 कटोरी। अभी इसको अच्छे से मिला देते हैं, चीनी गलने तक इसको हम चलाते रहेंगे जब तक चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। ये चीनी डालने के बाद इस तरीके का दिख रहा है ये ऐसा। ये अब ये थाली में इसको निकाल लेते हैं, थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर इसके पेड़े बनाएंगे। ये मावा हमारा ठंडा हो गया है, अभी हम पेड़े बनाना शुरू करते हैं। मैं इसी शेप में बना रही हूँ, आप कोई सी शेप दे सकते हो जो आपको पसंद हो। पेड़े बनके हमारे तैयार हैं, बहुत ही टेस्टी पेड़े बने हैं। आप लोग भी बनाइए और कमेंट करके बताइए आप लोग कैसे बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ज़रूर बताएं मुझे। अगर मेरे चैनल को पहली बार आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी कर लीजिए। फिर मैं मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। ऑडियो जंगल।